what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Like a really soulful place, and it's just really relieving because you walk in here, you have a trees, it's such a beautiful, you've got this gorgeous canopy and you can just... So all right, hey guys, what's up everybody, my name is Aryan and you're watching your own channel. तो गाइज आ चुके हैं हम आज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज. ठीक है, तो आज इसका हम अच्छे से कैंपस टूर करेंगे. मेरे साथ पवन भाई है, ठीक है, अभी अभी ज्वाइन किया है इसी कॉलेज में, तो ये आज हमें अच्छे से कैंपस टूर कराएगा. कुछ इसके फ्रेंड्स भी है, वो भी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो एक बार इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता दे पवन. तो पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम पवन जोत है और मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का CS स्टूडेंट हूँ. और आज हम ब्लॉग में जो कवर करेंगे, हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारे जो मेन क्लासरूम्स वगैरह हैं और यहाँ की फैकल्टी दिखाएंगे और यहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह दिखाएंगे और हमारी लैब्स वगैरह दिखाएंगे और कुछ बच्चों का इंटरव्यूज भी हमने बीच में लिया है वो दिखाएंगे और आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे जो हमारे कॉलेज का, ये सब चीज कवर करेंगे हम आज. तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं अपना कैंपस टूर. लाइब्रेरी के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है, अंदर के ग्लिम्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इतना बड़ा बुक बैंक है, 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है, सारी बुक्स हमें देखने को मिल जाती है, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC है, बुक आप इशू अपनी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाकी अपना लैपटॉप कॉपी वगैरह कैरी कर सकते हैं. टाइमिंग्स की बात करें तो कॉलेज टाइमिंग्स है हमारी, सारी फैसिलिटीज सब आपको मिलता है, बाकी ग्लिम्स मिल जाएंगे आपको आगे का टूर करा. गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे. टाइमिंग्स की अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है यहाँ पे, सेफ्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की. बाकी देखो कॉलेज लाइफ अच्छी है, प्लस आप बाहर जाएंगे पूरा नॉर्थ कैंपस की लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपकी हॉस्टल लाइफ भी अच्छी बन जानी है. मेस का खाना भी काफ़ी अच्छा है. फीस की अगर बात करें तो 1,60,000 कुछ आपका एक साल का जाता है, मेस का अलग जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है. बाकी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है या फिर आपको नहीं लेना तो आप बाहर PG या फ्लैट लेके भी रह सकते हैं, तो वो लाइफ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है. बाकी इस साइड हमारा गुरुद्वारा है तो इसके ग्लिम्स आपको दिखा देते हैं. ठीक है, अंदर जाके चलो भाई लोग अब बात कर लेते हैं थोड़ा एकेडमिक से रिलेटेड. तो पवन एक बार यहाँ पे बता दे कोर्सेज के बारे में. यहाँ पे हमें मेन 3 कैटेगरीज मिलती है, जैसे बीएससी से रिलेटेड यहाँ पे सारे डिग्रीज मिल जाएंगे आपको, सारे यहाँ पे कोर्सेज वगैरह होंगे बीएससी से रिलेटेड. और यहाँ पे जहाँ 2nd कैटेगरी आती है बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया यहाँ पे होता, और 3rd हो गया हमारा बीए. तो जैसे बीए के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, जैसे हिस्ट्री इको हो गई और बाकी जितने भी और अदर तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं इन कैटेगरीज के, वो सारे यहाँ पे होंगे और यहाँ की क्लासेस वगैरह के ग्लिम्स आपको दिखा देते हैं आपको. आइए चलो चलिए. हम खड़े हैं खालसा कॉलेज के क्लासरूम में, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे में, तो थोड़े नए क्लासरूम्स बने हैं अभी, 2nd फ्लोर पे बने हैं, बाकी फ्लोर्स पे भी धीरे धीरे काम चल रहा है. ठीक है, सेंट्रलाइज्ड AC है, प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, पीछे व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड दोनों की फैसिलिटीज, बाहर का व्यू भी काफी अच्छा है ना.
तो क्लासरूम का तो अपना ये हिसाब किताब है, बेंचेस भी ठीक है, कंफर्टेबल है, बाकी आपको सारे क्लासरूम, देखो क्लासरूम की भी वैरायटी अलग अलग है, थोड़ा कोई थिएटर जैसा दिखता है, कोई प्लेन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो सबके ग्लिम्स आपको दिखाएंगे, बाकी आगे का टूर कराएंगे। तो गाइस हम खड़े हैं साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक, पूरी बिल्डिंग हमारी साइंस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। बेसिकली साइंस में कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे जूलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी लैब्स, इनकी क्लासरूम्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आगे और डिपार्टमेंट्स है हमारे, जैसे CS का, वो सब भी उनकी लैब्स भी दिखाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सबके दिन से देंगे, आगे का टूर आपको करा। तो गाइज मेरे साथ निखिल भाई है, ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, एक बार अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दो। मैं निखिल दारीच, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, फाइनल ईयर, CR यूनियन का फाउंडर हूँ मैं पूरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो गाइज हम खड़े हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, ठीक है, एक बार अपने सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो भी ये ग्राउंड वगैरह है इसके बारे में सब बता दो। ये ग्राउंड जो है खालसा का, ये पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ग्राउंड है, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने बाहर से भी आते हैं, इवन हमारे जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ खेलने आते हैं, पुलिस सर्विसेज में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी निकले हैं जो यहाँ से खेल के अभी नेशनल लेवल तक गए हैं, ठीक है। और कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और बहुत सारी और भी हैं, और कुछ जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो हमारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे जिम भी है, आपको उसके ग्लिम्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसके ग्लिम्स मिल जाएंगे। फेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो। फेस्ट हमारे यहाँ होता है लश्कारा, इसके अंदर पास्ट में हमारे करण ओजला आ चुके हैं और दलजीत आ चुके हैं और काफ़ी सारे सिंगर्स यहाँ पहले आए हैं, और इस साल भी फेस्ट होगा, फैब के टाइम पे होता है फेस्ट, तो काफ़ी अच्छा फेस्ट होता है। तो इस सब के क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी आपको आगे का कैंपस टूर कराते हैं। हम खड़े हैं कैंटीन के सामने, यहाँ बेसिकली दो कैंटीन है, ये वाली तो मेन कैंटीन है, एक नेस्कैफे भी है, सबके ग्लिम्स आपको दिखाएंगे। खाने का प्राइस रीजनेबल है और जो खाने का टेस्ट है कुछ तो ठीक है, एवरेज है, बट कुछ काफ़ी अच्छा भी है, मतलब कैंटीन मतलब कॉलेज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी ग्लिम्स वगैरह दिखाएंगे, कॉलेज टाइमिंग्स है आपकी, चलिए आगे का टूर कराते हैं। हम खड़े हैं पार्किंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे में, तो बेसिकली यहाँ पे फैकल्टीज भी अपनी पार्किंग करते हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी पार्किंग करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब आ सकता है, सिक्योरिटी काफ़ी सही है यहाँ की, ठीक है। बाकी ग्लिम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आगे का टूर आपको करा। गाइस मेरे साथ इसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इन सब का इंटरव्यू लेंगे, इनसे कॉलेज का एक्सपीरियंस जानेंगे, भले ही सब फ्रेशर्स हैं फिर भी थोड़ा इनको टाइम हो गया, देखते हैं क्या क्या बताएंगे। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं पमिलप्रीत कौर हूँ, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। मैं सहजदीप सिंह, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स।
मैं तबलीन कौर बीएससी कंप्यूटर साइंस. मनचेत सिंह सीएससी कंप्यूटर साइंस. मैं निखिल राज कंप्यूटर साइंस ऑनर्स. सारी कंप्यूटर साइंस सब फर्स्ट ईयर के. तो गाइस सब फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के, तो ये आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे. तो एक तो इस कोर्स के बारे में बता देना और साथ में ये बताना कि कॉलेज लाइफ कैसी, एक्सपीरियंस कैसे, सोसाइटी के बारे में थोड़ा, और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कुछ भी बता सकते हैं खुल के. कुछ बुरा है तो वो भी बता देना. आपसे कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से बहुत पुराना है, और फैकल्टी भी अच्छी है, सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है. और बस तो जैसे कि बताया उन्होंने, फैसिलिटीज़ वगैरह तो सब बहुत अच्छी हैं. और अगर सोसाइटीज़ का पूछेंगे आप तो सोसाइटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे इग्नाइट सोसाइटी हो गई, वो द प्लेसमेंट सेल है, ऐसी इनेक्टस हो गई, वो एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, और भी बहुत वेरियस सोसाइटीज़ आपको कॉलेज में देखने को मिलती हैं. तो ओवरऑल कॉलेज बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया. इन भाई का चैनल भी, मेरा चैनल भी है ब्लॉगर साइज के नाम से, तो सब्सक्राइब करिए मुझे भी और भाई को भी. आपका मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो सब कुछ अच्छा है, और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती भी लाइक कॉलेज के अंदर, तो हमारे सीनियर्स सारे लाइक एक डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे से साइन करवा देते हैं, और वो सारी चीज़ों के ऊपर इनिशिएट लेते हैं, तो दैट्स रियली गुड. एंड सेकेंडली फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, लाइक हम लोग कंप्यूटर साइंस के होकर, मेरी जैसे पीसीएमबी स्ट्रीम थी, इन लोगों की कॉमर्स थी विदाउट आईपी और सीएस, एंड स्टिल इन लोगों को फैकल्टी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा न्यू हैं एनईपी से. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो सिंस मैं कोई इतना वो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन टीचर्स की हेल्प की वजह से और सोसाइटी जो उनको सीनियर्स मिले हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इन सब मामले में, कि अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने फेस टू फेस आके बहुत मिनिमम टाइम में मेरी हेल्प करनी है, और कोई एप्लीकेशन है अगर कोई भी बहुतों को कंसर्न है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखवा के पूरा उसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश तो करी है. और इंटरेक्शन भी हमारे काफ़ी सीनियर्स हुए और सारे फ्रेंडली है, ऐसे कोई रैगिंग का सीन वगैरह कुछ नहीं है, मुझे जो लग रहा था होएगा, लेकिन नहीं, सारा कुछ बढ़िया है. इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें तो सही है, बहुत अच्छा है, हर क्लासेज में एसी लगे हुए, एयर कंडीशनड है, और प्रोजेक्टर लगे हुए ताकि स्क्रीन पे हमको सारा सीएससी की प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छे से सिखाते हैं. बस तो ये कॉलेज बढ़िया है, जैसे कि बताया एसी लगे हैं, वो चलते भी हैं, ऐसे अन्य की बंद पड़े रहते हैं, और टीचर्स भी है, हेल्पफुल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो सबने बता ही दिया, और क्या. और ये जन्नत तेरा तो वैसे ही बहुत अच्छा है, तो कॉलेज की बेस्ट जगह, एक तो जन्नत और दूसरा गुरुद्वारा कॉलेज का, ये दोनों. हमें लाइक पहले लगा था कि काफी ओवर हाइप्ड है जन्नत, बट उसके बाद एक्चुअली में समझ में आया कि उसके लिए भी हमारी स्टडीज एफर्ट नहीं हो रहा, कोई जैसे हमको प्रॉब्लम है इसकी वजह से, पॉलिटिक्स हो रही है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन टीचर ने हमारे साथ कॉप अप किया, हमको पर्सनल वो भी क्लासेस भी दिए, कह रहे अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तुम आके हमसे समझ लो लैब में, इस वजह से पूरा सही है, काफी हेल्पफुल. एक ना मेरा तुम सबसे क्वेश्चन है, अगर तुमने सी एस यहाँ की ली है तो सब पे एक ऑप्शन रहा होगा बी सी ए करने का भी, बीसीए है ना सबने, पर इस ऑप्शन को क्यों चूज किया आप लोगों ने? हमारे पास तो बीटेक का भी ऑप्शन था, बट हम लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस बेसिकली बीसीए से हम लोग ऊपर मानते हैं, एंड स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना, एंड दैट टू नॉर्थ कैंपस के इतने अच्छे कॉलेज में, जहाँ पर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा, और जिसने मेरे पापा भी इधर से ही पढ़े, तो लाइक 40 साल की जो लेगेसी थी उस हिसाब से आई थिंक ये कॉलेज भी बेस्ट है, और जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो भी बेस्ट है. और मेरा तो ये था गाइस कि मेरे बीटेक, क्योंकि मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरे पास बीटेक का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बीसीए से ऊपर ये कंप्यूटर साइंस ऑनर्स को प्रेफरेंस दी, इसलिए मैंने ये कोर्स करा. बाकी ये कॉलेज तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका. तो गाइस मेरे साथ इसी कॉलेज की एक और स्टूडेंट है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो. हाय, आई एम प्रीना मकर, आई एम अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट एंड आई एम परस्यूइंग बीएससी लाइफ साइंसेज. ओके, तो आपका आप कितनी सोसाइटीज में टोटल? इनिशियली मैं 3 में थी, देन आई ड्रॉप्ड वन, सो आई एम करंटली पार्ट ऑफ 2 सोसाइटीज. ओके, तो सोसाइटीज का बेसिकली कल्चर क्या रहता है, मतलब आप अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? कल्चर इन टर्म्स ऑफ कि हाउ पीपल इंटरैक्ट या फिर व्हाट दे एक्चुअली, मतलब एवरीथिंग. ओके, सो आई एम अ पार्ट ऑफ 2 सोसाइटीज राइट नाउ, द डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी एंड द एनएसएस. सो कल्चर ऑफ कोर्स यू नो दे ट्राई टू फॉस्टर एंड हार्बर अ वेरी फ्रेंडली कल्चर, यू नो पीपल आर रियली फ्रेंडली, दे आर रियली सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, पीपल आर कोऑपरेटिव, एंड ऑफ कोर्स यू नो पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, लाइक डिबेट सोसाइटी में वी वर्क टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड एनहांसिंग आवर ओरेटरी स्किल्स, एंड वाई एनएसएस में वी वर्क टुवर्ड्स वॉलंटियरिंग एंड सोशल वेलफेयर. सो या एंड
आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक इन सोसाइटीज में, क्या क्या आपको सीखने को मिला? वेल आई मीन सी एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन प्रोज राइट, यू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज. सो डिबेट सोसाइटी डेफिनेटली आई लाइक टू ऐड की यू नो डिबेट सोसाइटी ने मेरा स्टेज फेयर इरैडिकेट कर दिया बिकॉज नाउ आई फील दैट आई एम अ मच मोर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल एंड आई कैन स्पीक ऑन द स्पॉट पर से एंड माई ओरेटरी स्किल्स हैव ऑल्सो बीन पॉलिश्ड इन द प्रोसेस. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनएसएस आई फील दैट आई हैव डेफिनेटली developed more empathy towards the society and I've developed a desire to you know work towards social welfare. And so, yeah. On ground aake kaise kaam karte hain, manage karte hain sab wo sab. Okay, so as far as debate society is concerned, we do have sessions, typically bi-weekly sessions hote hain jo official hote hain, and unofficial sessions you will find us every other day in Jannat yahan pe. So they're really fun, typically you know three and a half hours ke sessions hote hain, and then we hang out, we have some food. And when I talk about NSS, so NSS made functions a little differently because we have a lot of field visits, we have a lot of visits where we you know go to old age homes or we'll be going on various drives like plantation drives or donation drives. So yeah, that's how it okay was. Last one thing ki dekho sab to jannat jannat bata rahe hain but kisi ko pata nahi jannat mein hota kya hai, thoda idea? Okay, well that is a really good question because jannat is my absolute favorite spot in the college. Matlab jannat is like a really soulful place and it's just really relieving because you walk in here, yahan pe trees ka, it's such a beautiful, you've got this gorgeous canopy and you can just sit here under the shade when the whole college is really sunny, and then you just sit here and you come across so many people of all these different courses, and it's just I mean really fun and relieving to just watch and hang out here. Okay, baki aapko glimpse mil jayenge, theek hai, thank you so much. Of course. तो गाइस इसी के साथ हमारा गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज का कैंपस टूर ख़त्म होता है. होपफुली आपको सारे ग्लिम्स वगैरह प्रॉपरली मिल गए होंगे. नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो है हमारा विश्वविद्यालय, वहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस आप गूगल मैप लगा के भी आ सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच पवन, आज तूने पूरा कैंपस टूर अच्छे से कराया. तू कुछ बताना चाहेगा, थोड़ा सा बता. मैं बस यही बताना चाहूँगा, जैसे मैं जब एडमिशन्स लेने वाला था मैंने कैंपस टूर्स वगैरह देखे थे बाकियों के खालसा कॉलेज के, जो उसमें क्या सीन था बहुत ही लो ग्रेडेड दिखाया हुआ था खालसा कॉलेज को. मैं यहाँ पे आया, एक्सपीरियंस वगैरह करा और मैंने देखा जितने भी ब्लॉग्स वगैरह उसमें इतना सब अच्छा नहीं दिखाया गया, पॉजिटिव साइड दिखाई नहीं गई कॉलेज के बारे में. तो वही पॉजिटिव साइड मैंने कवर करने के लिए आज आर्यन भाई को बुलाया था हमारे कॉलेज के लिए, कि हमारी जो अच्छी साइड है वो भी दिखाई जाए स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इतना कुछ बेकार साइड थी जो उन्होंने इतना बेकार चीज़ें दिखाई, क्योंकि उन्होंने जो मेन अच्छे क्लासरूम्स वगैरह और अच्छी फैकल्टी मतलब अच्छी चीज़ें वगैरह वो कुछ दिखाई नहीं उन्होंने. और इसलिए मैंने आर्यन भाई को बुलाया था कि आज वो अच्छी पॉजिटिव साइड कवर करें, ताकि जब भी जैसे बच्चे एडमिशन्स वगैरह ले रहे हैं तो उनको एक अच्छा और ऑनेस्ट रिव्यू वगैरह मिले कॉलेज के बारे में कि कॉलेज कैसा है हमारा. और वही सब बात है आज और सब कवर कराया हमने आज. तो गाइज अगर आपको भी कोई कैंपस टूर करवाना हो अपने कॉलेज का तो आप मुझे जरूर बुला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा हैंडल दे दूंगा. बाकी पवन भाई हमारे और कैंपस टूर में भी देखने को मिलेंगे, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे और हैं और नॉर्थ कैंपस के और भी कॉलेजेस कवर करेंगे हम, जैसे रामजस, एसआरसीसी, खिरोड़ी मल और बहुत सारे हिंदू कॉलेज, तो सारे कवर करेंगे. ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले उसमें कैंपस टूर में मिलूंगा तुम्हें साथ में. तो चलिए गाइस, बाय बाय.